पश्चिम बंगाल में शांति और सुशासन तभी कायम होगा जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से हटाया जाएगा। इस नई शर्त के साथ ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी के तीसरे कार्यकाल के शुरू होने से पहले जगदीप धनखड़ ने नारदा स्टिंग मामले में जांच करने की सीबीआई को मंजूरी देकर ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अपने पत्र में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल धनखड़ चुनाव के बाद से पश्चिम बंगाल में हिंसा का अतिरंजित वर्जन उठा रहे हैं। पत्र में ये भी कहा गया कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाकर और पब्लिक डोमेन में इसके बारे में ट्वीट करके धनखड़ सभी सीमाएं पार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल उस समय सरकार के कामकाज को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं जब समय की जरूरत कोविड महामारी को नियंत्रित करने के प्रयासों पर केंद्रित थी। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पार्टी राज्यपाल को हटाने की मांग को लेकर विधानसभा के पारित प्रस्ताव पर विचार कर रही है। राज्यपाल ने जब से कार्यभार संभाला है तब से तृणमूल सरकार के निशाने पर है। तृणमूल सांसद सौगत राय ने आरोप लगाया कि वह एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से कानून और व्यवस्था के गंभीर रूप से टूटने की कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर राजभवन के सूत्रों ने तृणमूल के आरोपों को खारिज किया। सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल प्रशिक्षण से एक वकील थे और इन शक्तियों और जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से जागरूक थे। राजभवन के सूत्रों ने कहा कि उन्होंने कानून व्यवस्था के बिगड़ने पर वाजिब चिंता जताई है। उन्होंने नारद घोटाला मामले में शामिल राजनेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी थी। ममता बनर्जी ने पत्र में नए राज्यपाल की नियुक्ति की मांग करते हुए कहा कि अगर बंगाल में अच्छा शासन चाहते हो तो मौजूदा राज्यपाल जगदीप धनखड़ को वापस बुला लीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल की कोशिश रहती है कि राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित किया जाए और वे ऐसा करने में इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि जिस वक्त की हिंसा की वे चर्चा करते हैं वह उस वक्त की है जब राज्य का शासन तृणमूल कांग्रेस के हाथ में नहीं था। ममता बनर्जी के पत्र पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नारदा स्टिंग केस में पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों सहित चार नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उनके बचाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीबीआई के दफ्तर पहुंचकर धमकाना देश के संघीय ढांचे पर हमला है। जनादेश का मतलब ये नहीं कि सत्तारूढ़ दल को अपराधियों को बचाने का लाइसेंस मिल गया। लालू प्रसाद और जयललिता भी कानून से ऊपर नहीं थे इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा। चुनावी सफलता के अहंकार में एक मुख्यमंत्री का गुंडों की तरह व्यवहार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए किसान आंदोलन के दौरान टूलकिट की साजिश की गई थी। अब ठीक उसी तर्ज पर एक दूसरा टूलकिट तैयार कर कोरोना काल में पीएम मोदी को पूरी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई है। बीजेपी का कहना है कि ये टूलकिट कांग्रेस ने तैयार करवाई है ताकि कोरोना संकट के बहाने अपनी सियासत को चमका सके। इस टूलकिट में कांग्रेस नेताओं को साफ निर्देश दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर हमला करें। उसी लाइन पर राहुल गांधी समेत कुछ नेता लगातार व्यक्तिगत वार भी कर रहे हैं। हर कांग्रेसी नए कोरोना वेरिएंट के लिए मोदी वेरिएंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। विदेशी मीडिया को जलते शवों के फोटोज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि सरकार कटघरे में आ सके। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस समाज को बांटने और विष फैलाने में माहिर है। महामारी के काल में भी कांग्रेस की आदत नहीं छूट रही है। मैं आग्रह करता हूं कि कांग्रेस टूलकिट मॉडल से बाहर आकर कुछ सकारात्मक काम करे। पिछले दिनों में कांग्रेस की ओर से लगातार सरकार के कोविड प्रबंधन पर सवाल खड़े किए जाते रहे लेकिन फिलहाल कांग्रेस को खुद के जाल से निकलना पड़ेगा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने न सिर्फ आरोप लगाए बल्कि टूलकिट में उपयोग किए गए शब्दों और मॉडल और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दूसरे नेताओं के ट्वीट में उपयोग हो रहे शब्दों और कार्यशैली में समानता को उदाहरण के रूप में पेश किया। कथित टूलकिट में अलग अलग विषय के तहत निर्देश दिए गए हैं। इसमें एक विषय है मोदी की छवि। इसमें कहा गया कि मोदी की अप्रूवल रेटिंग अभी भी काफी है लेकिन यही अवसर है कि उनकी छवि को ध्वस्त किया जाए। इसके तहत सुझाए गए बिंदुओं में कहा गया है कि मोदी को कटघरे में खड़ा करने वाले सवाल इंटरनेट मीडिया पर पूछे जाएं। पात्रा ने कहा ये सब लगातार कांग्रेस नेताओं के आचरण में दिख रहा है। राहुल गांधी रोजाना सुबह उठते ही सवाल खड़ा करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हैं। इस टूलकिट में ये भी सुझाया गया है कि सेंट्रल विस्टा पर सवाल खड़े करें और इसे मोदी का महल बताएं। इसमें कहा गया कि डबल म्यूटेंट को इंडियन म्यूटेंट और इंटरनेट मीडिया पर मोदी म्यूटेंट बताएं। पात्रा ने कहा कि राहुल के ट्वीट देखें या कांग्रेस सांसद शशि थरूर के या किसी और कांग्रेसी नेता के, ये साबित हो जाता है कि जो कुछ टूलकिट में कहा गया है कांग्रेस उसी तरह काम कर रही है ताकि मोदी और देश की छवि को नुकसान पहुंचाकर राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। चार पेज के इस टूलकिट के पहले पन्ने पर कुंभ के बारे में विवरण दिया गया और कहा गया है कि इसे सुपर स्प्रेडर बताया जाए ताकि लोगों में ये भावना बैठे कि बीजेपी के हिंदू एजेंडे के कारण देश में कोरोना फैला।
विदेशी मीडिया ने ये काम बखूबी किया, इसे और बढ़ावा देने की जरूरत है। वहीं ईद के साथ कुंभ को जोड़ने की किसी भी बहस से बचने की सलाह दी गई। पात्रा ने कहा कि कोरोना काल में भी कांग्रेस धर्म की राजनीति से बाज नहीं आ रही। पीएम केयर्स फंड के उपयोग और उसके तहत भेजे गए वेंटिलेटर पर सवाल खड़े करने, कार्यकर्ताओं की ओर से अलग अलग आरटीआई फाइल करने, पीएम केयर्स के जरिए पारदर्शी रूप से पैसा जमा करने और इन जैसे कई मुद्दों पर बहस खड़ी करने की बात भी कही गई। गुजरात को अधिक मदद पहुंचाने, सेंट्रल विस्टा में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने जैसे सवाल उठाए जाएं और लोगों को बताया जाए कि इतने पैसे में 2 करोड़ लोगों के लिए हर माह 6,000 रुपए की न्याय स्कीम चलाने जैसी बात करनी चाहिए। इसी टूलकिट में मिसिंग अमित शाह, क्वारंटीन जयशंकर, साइडलाइन राजनाथ सिंह, इनसेंसिटिव निर्मला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने और समय समय पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर भावनात्मक सुझाव देने की भी बात कही गई है। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस की टूलकिट और पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं के आचरण को देखने भर से साफ हो जाता है कि कांग्रेस किस तरह से गंदी राजनीति पर उतारू है। पिछले दिनों सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं की ओर से चिट्ठी लिखी गई। कांग्रेस नेताओं की ओर से वही शब्द बोले जा रहे हैं जो टूलकिट में कहे गए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। सीबीआई ने जब नारदा स्टिंग मामले में टीएमसी के नेताओं को गिरफ्तार किया था, तब सीएम ममता बनर्जी ने सीबीआई कार्यालय में जाकर खूब हंगामा काटा था। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी वहां 6 घंटे तक बैठी रही और सीबीआई को गिरफ्तार करने की चुनौती देती रही। लेकिन लगता है कि अब सीबीआई शायद ममता बनर्जी की ये मुराद पूरी करने वाली है। वजह यह है कि सीबीआई ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने सीबीआई को खुद को गिरफ्तार करने की चुनौती दी थी। सीबीआई ने इस कथित घोटाले के संबंध में दायर 123 पन्नों की अपनी याचिका में ममता के साथ उनके करीबी सहयोगी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और राज्य के कानून मंत्री मलय को भी शामिल किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को मामले में पक्षकार बनाया गया है। सीबीआई ने इस याचिका में सीएम बनर्जी के गलत व्यवहार का जिक्र किया है, साथ ही जांच एजेंसी ने पूरे मामले को हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग की है। अब ममता को या तो खुद या फिर अपने वकील के माध्यम से जवाब देना होगा, क्योंकि सीबीआई ने अपील की है कि विशेष अदालत का जमानत का फैसला निरस्त किया जाए, साथ ही पूरे मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। वकील अनिंदो राउत ने दावा किया था कि उन्होंने ममता बनर्जी को अधिकारियों से ये कहते सुना कि स्पीकर और राज्य सरकार की अनुमति के बिना मंत्रियों और विधायकों की गिरफ्तारी कोई नहीं कर सकता। अनिंदो राउत ने दावा किया, मैंने सीएम ममता बनर्जी को अधिकारियों से ये कहते सुना है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि बिना स्पीकर और राज्य सरकार की अनुमति के कोई राज्य के अधिकारियों को गिरफ्तार कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे अधिकारियों को गिरफ्तार करते हैं तो आपको मुझे यानी ममता को गिरफ्तार करना होगा। इसके पहले सीबीआई ममता सरकार के मंत्री फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर ले गई। बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि शाम में ही न्यायमूर्ति अनुपम मुखर्जी के नेतृत्व वाली विशेष सीबीआई अदालत ने चारों आरोपितों को जमानत दे दी। कोलकाता में निजाम पैलेस यानी सीबीआई दफ्तर के बाहर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। सीबीआई दफ्तर के बाहर सुरक्षा में तैनात केंद्रीय बलों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी भी की। वहीं अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में सबसे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुबह करीब 10:48 पर सीबीआई दफ्तर पहुंच गईं और 6 घंटे तक वहीं बैठी रहीं। उन्होंने सीबीआई को अपनी गिरफ्तारी की चुनौती भी दी थी और टीएमसी ने सीबीआई पर बदले के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। बंगाल में साल 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग टेप सार्वजनिक हुए थे। स्टिंग ऑपरेशन कथित तौर पर नारदा न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल ने किया था। इन स्टिंग्स में टीएमसी नेताओं को कथित तौर पर कंपनी के प्रतिनिधियों से रुपए लेते हुए देखा गया था। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। कोविड 19 संकट के दौर में कांग्रेसी टूलकिट का पर्दाफाश होते ही सियासी हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी लगातार हमलावर है और कांग्रेस इस बवाल से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश में है, लेकिन इस मामले से कांग्रेस का पीछा छुड़ा पाना आसान नहीं है। बीजेपी ने एक बार फिर ऐसे कई सबूत पेश किए हैं जिससे ये साबित होता है कि ये खेल कांग्रेस का ही किया धरा है। लेकिन कांग्रेस इन आरोपों के खिलाफ पुलिस थाने में मामले को घसीट ले गई। दूसरी तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में टूलकिट मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की गई। टूलकिट के जरिए राजनीतिक लाभ लेने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की तैयारी थी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये टूलकिट सौम्या वर्मा ने तैयार की है। पात्रा ने दावा किया कि सौम्या कांग्रेस सांसद एमवी राजीव गौड़ा के ऑफिस में काम करती है। बीजेपी के इस दावे के बाद
ट्विटर पर सौम्या वर्मा का नाम ट्रेंड करने लगा। पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौम्या वर्मा के सोशल मीडिया अकाउंट्स का ब्यौरा और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तथा गौड़ा के साथ उनकी कुछ तस्वीरों को साझा किया, साथ ही उनके टूलकिट के स्रोत से संबंधित एक दस्तावेज भी जारी किया और ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस ने कल पूछा था कि टूलकिट किसने तैयार किया, कृपया इस पेपर की सामग्री देखिए, इसमें लिखा है सौम्या वर्मा ने। सौम्या वर्मा कौन है? क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी जवाब देंगे? तमाम दावों के साथ पात्रा ने कहा, हम जो सबूत आपके सामने रख रहे हैं वही सब कुछ साबित करते हैं। AICC के शोध विभाग का अहम हिस्सा ही नहीं बल्कि सौम्या वर्मा मुख्य भूमिका में रहती हैं। उन्होंने कहा कि इस टूलकिट को तैयार करने वाले का नाम आज सामने आया और सबूतों से देश के सामने यह स्थापित भी हो चुका है। क्या सौम्या वर्मा जी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं? क्या सौम्या वर्मा जी AICC के शोध विभाग में काम करती हैं? क्या सौम्या वर्मा जी राजीव गौड़ा के तहत काम करती हैं? क्या उन्होंने इस टूलकिट को तैयार नहीं किया है? कांग्रेस पार्टी इस पर जवाब दे। गौड़ा ने एक ट्वीट में कहा, हमने पार्टी के लिए सेंट्रल विस्टा पर एक रिसर्च नोट तैयार किया था जो कि सही और तथ्य आधारित है। मैंने कल ट्वीट किया था कि COVID-19 टूलकिट फर्जी है और BJP की बनाई हुई है। पात्रा एक असली डॉक्यूमेंट का मेटा डेटा दिखा रहे हैं और उसे एक फेक दस्तावेज से जोड़ रहे हैं। कांग्रेस के कथित टूलकिट का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। वकील शशांक शेखर झा ने याचिका लगाकर पूरे मामले की NIA से जांच कराने की मांग रखी है। याचिका में कहा गया कि टूलकिट के जरिए सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने का प्लान था। याचिका में कहा गया है कि दोष साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता रद्द हो। योग गुरु रामदेव ने कहा कि टूलकिट के माध्यम से कुंभ मेला और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक साजिश पाप और अपराध है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप राजनीति कीजिए लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का अपमान मत कीजिए। रामदेव ने कहा कि आप बहुत घिनौनी हरकत कर रहे हैं, देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। देश के लोगों को ऐसी सनातन विरोधी और भारत विरोधी ताकतों का मिलकर बहिष्कार और विरोध करना चाहिए। BJP ने मंगलवार को कांग्रेस पर कोरोना महामारी के दौरान देशवासियों में भ्रम फैलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया था। पार्टी ने कहा था कि इस संकट काल में विपक्षी दल की गिद्धों की राजनीति उजागर हुई है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए BJP पर फर्जी टूलकिट तैयार करने का आरोप लगाया और BJP अध्यक्ष JP नड्डा सहित उसके वरिष्ठ नेताओं BL संतोष, स्मृति ईरानी, संबित पात्रा तथा कई अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस में जालसाजी की शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।